में क्या रखनी है किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है जिससे आप इजिली कट ऑफ अपनी क्लियर कर सकेंगे उससे रिलेटेड भी मैंने पूरा का पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में सेशन जो है वो बना लिया है आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अप के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने के हाई प्रोबेबिलिटी और अगर आप सिर्फ इन करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे यू कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन इफ आर वर्किंग हार्ड बहुत आराम से बिकॉज करंट अफेयर्स में हमें पता नहीं होता कौन से सेक्शंस को हमें पढ़ना चाहिए कौन से सेक्शंस को नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है तो वो करंट अफेयर्स की सीरीज भी चल रही है साथ ही मेरी कोशिश ये कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स को आपको यानी एनसीआर टीस को कितनी जल्दी रिवाइज करा सकती हूँ तो ऑलरेडी मैंने एनसीआर टी से कुछ रिलेटेड सीरीज पहले बना दी हैं आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं सिंस द टॉपिक इज वेरी वास्ट सो बाकी के स्टडी मटीरियल के यू कैन विजिट टू डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डॉट गवर्नमेंटर्स डॉट कॉम वहां पर आपको कंप्लीट मटीरियल मिल जाएगा एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ठीक है और साथ ही आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए साथ ही अगर आप इन सेशंस के पीडीएफ के लिए चाहिए आपको या और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं या स्टडी मटेरियल उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है अब कोर्सेज जैसे मैंने बोला वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही डिस प्रिसाइस कंटेंट डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं मोर देन 500 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं 250 प्लस कंपाइल पी मिल रही हैं विच इज़ सफिशियंट फॉर योर एग्जामिनेशन जो डिस्टॉटेड मटीरियल है वो आपको नहीं मिलेगा साथ इन मटीरियल के साथ एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ स्टडी मटीरियल प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स ये सब कुछ प्रेजेंट है जो आपको मिलेगा ठीक है सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं सो so, आप आगे बढ़ते हैं क्लास सेवन के एनसीईआरटी के साथ तो चैप्टर वन जो है आपका अगर आप एनसीआरटी सामने रख के पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं अगर नहीं तो आप सिर्फ यहाँ देखिए ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी का ब्लू प्रिंट है जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है सबसे पहले जैसे मैंने बोला एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट क्या है द लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट प्लस जो सराउंडिंग होते हैं ये आपका एनवायरमेंट होता है ठीक है सो कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनना यहां पे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी जो एनसीईआरटी में लिखा है क्योंकि अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी को स्टिक करूंगी तो सिर्फ एनसीईआरटी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी सो so, दो टर्म यूज हुए हैं बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट्स आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है इनवायमेंट इनवायरमेंट आपका एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एनवायरनर जिसका मतलब होता है नेबरहुड और फिफ्थ जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है कमिंग टू हमने दो टाइप्स के एनवायरमेंट की बात की नेचुरल एंड ह्यूमन मेड तो ये आपको डायग्राम दिखेगा तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में आपके नेचुरल ह्यूमन मेड और ह्यूमन तो है ही ठीक है तो नेचुरल एन्वायरमेंट में आपका लैंड वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स ठीक है ये सारी चीजें आ गई ह्यूमन मेड एन्वायरमेंट में जिसे ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है जिसमें आपके यू नो ह्यूमंस की कम्युनिटी आ गई प्लस साथ ही ह्यूमन मेड जो स्ट्रक्चर्स हैं चाहे वो बिल्डिंग्स हो गए पार्कस हो गए रोड रेलवेज ब्रिजेस ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में आ गई अब एक और टर्म यहाँ पे uh, जैसे फैक्ट एनसीआरटी में आपको पता दिए होते हैं और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं तो एक फैक्ट दिया है बार्टर सिस्टम करके बार्टर सिस्टम क्या होता है ना बार्टर सिस्टम एक ट्रेडिंग का मेथड होता था अर्लियर जिसमें आप क्या करते थे विदाउट यूज ऑफ मनी आप जो है गुड्स एक्सचेंज करते थे कैसे करते थे सपोज आपको कोई चीज चाहिए मार्केट से ठीक है तो आप किसी के पास गए सपोज आपको एक चॉकलेट चाहिए बाहर से तो आप उस इंसान के पास गए जो चॉकलेट बेच रहा है आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो सामने वाले को चाहिए और उससे आपको चॉकलेट चाहिए तो आपने एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज किया ठीक है क्वांटिटी डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे तो यहाँ पे विदाउट द यूज ऑफ मनी आपने गुड्स को एक्सचेंज किया दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम तो कभी वन टर्म में पूछ लिया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए सो चैप्टर वन यहाँ पे खत्म होता है बहुत ही स्मॉल इंट्रोडक्टरी चैप्टर था सेकंड चैप्टर बताते हैं इनसाइड आर अर्थ अब एक हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्लास सिक्स में पढ़ा था अब उसके थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे यहाँ पे तो हमें पता है कि अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं क्रस्ट मेंटल एंड कोर सो अपर मोस्ट क्रास्ट बनीथ मेंटल और इनर मोस्ट जो है आपकी कोर हो गई एक और जो फैक्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कि क्रस्ट जो है इट इज ओनली वन परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो मेंटल का होता है एंड उसके बाद फिफ्टीन परसेंट आपका कोर होता है सो एटी फोर परसेंट इज मेंटल तो ये भी आपके एसर्स में एक लाइन में पूछ लिया जाता है इसीलिए इस चीज को ध्यान रखें नेक्स्ट अब क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं सो so, क्रस्ट जो आपकी थिनेस लेयर है थर्टी फाइव किलोमीटर ऑफ कॉन्टिनेंटल मास एंड फाइव किलोमीटर इसका ओशनिक फ्लोर है ठीक है सो कॉन्टिनेंटल मास जो है आपका सिलिका एंड आल्मोनियम से बना है जिसे हम सियाल कह सकते हैं ओशनिक क्रस्ट बेसिकली सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी है इसीलिए सीमा कहते हैं ठीक है थीके? अब मेंटल पे बात करते हैं मेंटल क्रस्ट के नीचे होता है एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर कोर की बात करें कोर आपका एक्सट्रीम रेडियस जो कि 3500 किलोमीटर होता है मेनली आपका निकल एंड आयरन से बना होता है नाइफ तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं सियाल सीमा नाइफ नाउ यू कैन इजीली रिमेंबर कि कौन-कौन से कंटेंट्स मिनरल्स उसमें प्रेजेंट है और कोर में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है अगर डू यू नो की बात करें जो एनसीआरटी में है उसमें दिखा है कि जो वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है ठीक है नेक्स्ट रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं तीन टाइप के रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक क्या होता है इग्नियस रॉक होती है जो बिल्कुल फ्रेश रॉक बनती है जो आपकी मोल्टेन मैग्मा से बनती है वैन इट कूल्स डाउन सॉलिडिफाई हो जाता है वो आपका इग्नियस रॉक बनता है और उसमें दो टाइप की इग्नियस रॉक होती है एक आपकी होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एक होती है एक्सट्रूसिव अब नाम से आपको पता चल रहा है इंट Int मतलब इंटीरियर ext, मतलब एक्सटीरियर से बाहर अब इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं इंट्रूसिव रॉक्स यानी जब आपका वॉलकैनों से जब लावा ऊपर उठता है तो जब अंदर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है यानी मैग्मा जब अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है तो यानी वॉलकैनो तक वो आया भी नहीं और वॉल्केनो के लेयर्स में ठीक है जो अंदर वो फ्रीज हो गया वहां पे जो रॉक्स डेवलप हुई दैट इज योर इंट्रूसिव वॉलकैनिक इग्नियस रॉक्स एंड जो मटेरियल आपका बाहर आ जाता है लावा जो आपका बाहर आ जाता है फिर सॉलिडिफाई होता है और बाहर जो फ्लोर पे आपका रॉक सॉलिडिफाई होके बनता है दैट इज़ नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ठीक है इंट्रूसिव का आपका एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट एक्सट्रूसिव का आपका हो गया बिसाल ठीक है तो जो यूजली जो डेकिन प्लाटों के एरिया है आपका पूरा बिसाल रॉक से बना हुआ है एक और बात है इंट्रूसिव में क्योंकि लावा अंदर से आ रहा है तो जो फाइन पार्टिकल्स जो ग्रेन होंगे वो बड़े बड़े होंगे में क्या होगा कि स्मॉल और वेरी फाइन पार्टिकल्स ही बाहर आएंगे क्योंकि बहुत सारा अमाउंट ऑफ मटीरियल सेडिमेंट्री क्योंकि दे आर फॉर्म्ड बाय क्रैक हिट एंड जब ब्रोक डाउन हो जाते हैं इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स जिसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं इसीलिए इनका नाम जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बना अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं दे आर फॉर्मड बाय वेरियस जैसे इरोजन एंड डिपोजिशन से बनते हैं यानी कहीं से इरोड हुआ और कहीं से डिपोजिट हुए अब इनके कैरियर्स, इरोजन और डिपोजिशन के कैरियर्स होते हैं आपको पता है वाटर से ये चीज हो सकती है विंड से ये चीज हो सकती है ठीक है तो इनके ये कैरियर्स हैं ये कंप्रेस होते हैं हार्ड होते हैं फॉर्म वेरियस लेयर्स एंड थर्स दे आर नोन थर्ड देट्री रॉक्स सैंडस्टोन आपका जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल्स है और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में असर्शन के फॉर्म में नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं अब आपके जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को आप जो है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर रखते हैं तो दे कैन टर्न आउट इंटू मेटामोफिक रॉक्स एग्जाम्पल है आपका क्ले चेंजेस इंटू स्लेट लाइमस्टोन इंटू मामल ठीक है नेक्स्ट ये देखिए ये आपकी रॉक साइकिल है यानी जब एक टाइप की रॉक को आप हीट एंड प्रेशर दे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपस में कन्वर्टेबल है यानी इग्नि इग्नियस रॉक जो है वो आपका सेडिमेंट्री में सेडिमेंट्री जो है वो आपका मेटामॉर्फिक में एंड देन इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों को अगर आप हीट एंड प्रेशर दे तो वो आपका डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकता है एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस जो चेंजिंग ऑफ वन फॉर्म टू अनदर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दिस इज टोटली नोन एज योर रॉक साइकिल बहुत ही सिंपल है ठीक है अब मिनरल्स पे आ जाते हैं अब रॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स से बने हैं कुछ नेचुरली ऑकिंग है कुछ है, कुछ, आ, कुछ आपके आ, कुछ की सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशंस होते हैं कुछ

तो ये आपका ह्यूमन मेड जो डिजास्टर होते हैं और जिनकी वजह से लैंड फॉर्म में चेंजेस दैट आर योर एक्सटर्नल फोर्सेस ठीक है अब ये देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज और फोर्सेस तो नाम एंडो मींस इनसाइड एक्सो मींस बाहर के जो फोर्सेस हैं ठीक है थीक्या? अब यहाँ पे आ, ये टेबल के फॉर्म में आप इसको टेबल देख सकते हैं एनसीआरटी में टेबल दी हुई है एंड ये लावा का जो वॉल्केनो का है उसका डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो वेरियस फैक्टर्स हैं जो डायग्रामेटिक फिगर है उसको आप थ्रू नेम याद कर सकते हैं क्राटर वेंट लावा मैग्मा चैम्बर क्रस्ट मेंटल एंड जो गैसेज एंड एश निकलते हैं कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो अर्थ है उनके जो फोर्सेज है मैंने बोला जैसे दो फोर्सेज में डिवाइड है इंटीरियर फोर्सेज एंडोजेनिक फोर्सेज सर्फेस फोर्स हो गए आपके एक्जोजेनिक फोर्सेज नाउ अर्थक्वेक की सबसे पहले बात करें तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है यहाँ पे वाइब्रेट करती हैं फोकस वो पॉइंट होता है जहां से आपका मूवमेंट स्टार्ट होता है और फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट आता है यानी जो सर्फेस फोकस के जस्ट ऊपर आता है जहां से अर्थक्विक स्टार्ट होता है उसके ऊपर का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज एपी सेंटर बहुत कॉमन सा डिफरेंस है दोनों में लेकिन अक्सर

लैंडस्केप जो है वो दो प्रोसेसेस से मैंने बोला कि वॉर्न अवे होता है दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन वेदरिंग होता है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड देन इरोजन यानी एक लैंडस्केप से ले जाके फिर डिपोजिशन दूसरे एरिया में रिवर का काम होता है रिवर क्या करती है एक नेचुरली रनिंग वाटर है जो इरोड करती है लैंडस्केप को ठीक है वाटरफॉल क्या होता है वाटरफॉल तब होता है आपका जब कहीं जो रिवर है वो कहीं बिल्कुल स्टीप एरिया से अचानक एक हार्ड एंगल लेके अप हो जाती है एक स्टीप वैली में तब हमें वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं वाटरफॉल के इंडिया में फेमस एग्जाम्पल्स आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट मी कब बनता है जब रिवर एंटर करती है प्लेन एरिया में इस डायग्राम में देखिए ठीक है प्लेन एरिया में एंटर करती है तो उसको बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट जानने पड़ते हैं इन टर्न एंड ट्विस्ट की वजह से लार्ज बैंड्स आप देखेंगे लार्ज ब्रांड्स जो ब्राउन कलर के हैं ये लार्ज बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दिस यही आपके मेन्डर्स बाद में बन जाते हैं ऑक्सबोलिक क्या होता है इन कॉन्टिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये जो मेंडर के लूप्स होते हैं ये आपके कट ऑफ हो जाते हैं मेन रिवर से एंड दे फॉर्म ऑक्सबोलिक्स फ्लड प्लेन क्या होता है फ्लड प्लेन होता है वो फर्टाइल एरिया जो उस पूरा रिवर जो रिवर वो कवर कर रही है देन इज लिबाइस जो रेस्ड बैंड होते हैं हम आपके है? वो अलवाइज होते हैं जैसे जैसे रिवर अप्रोच करती है सन सी uh, की तरफ जो स्पीड ऑफ वाटर है वो आपकी जो है डिक्रीज होती है एंड फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स विच इज फर्दर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज ठीक है और डेल्टा क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ सी सी वेव्स अब uh, में कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जैसे आपका सी केव सी आर्क सी क्लिव बीचेस एनसीआर में आप डायग्राम देखेंगे सी केव्स क्या होते हैं जब वेव्स कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक करती हैं रॉक्स पे तो क्रैक डेवलप हो जाता है और हॉलो केव्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं वो आपके सी केव्स कहलाते हैं आर्थ uh, क्या होते हैं जब आपकी कैविटी बड़ी हो जाती है सिर्फ रूफ रह जाता है और नीचे से पूरा पोर्शन क्लियर हो जाता है वो आपका सी आर्क हो जाता है स्टैक्स क्या होता है जब सिर्फ वॉल वॉल बचती है ठीक है नेक्स्ट बीचेस आपको पता है सेडिमेंट्स अलोंग द शोर डिपॉजिट होते हैं आइस के बारे में बात करें सो ग्लेशियर मोरेन्स होते हैं यानी मटीरियल दैट इज बीन कैरड बाय ग्लेशियर्स चाहे वो स्मॉल हो बिग हो स्प्लिट्स हो दे गेट डिपॉजिटेड तो दिज आर नोन एज ग्लेशियर मोरेन्स विंड की अगर मैं बात करूं सो so, विंड आपके डेजर्ट्स में होते हैं एंड रॉक शेप्ड बेसिकली आप मशरूम शेप में रॉक्स देखेंगे दैट इज दे आर नोन एज मशरूम रॉक्स जो लोअर सेक्शन है उसको विंड uh, करती है लोइस क्या होता है वेरी फाइन लाइट ग्रेन्स ऑफ सैंड कैरिड बाय विंड ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस नेक्स्ट यहाँ पे डू यू उन्होंने फैक्ट्स दिया गया है कि जो आपका अर्थ का अर्थक्वेक का मेजरमेंट होता है दैट इज बाय अ मशीन विच इज नोन एज सिस्मोग्राफ ठीक है एंड द मैग्नेट्यूड ऑफ अर्थक्विक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल तो रिक्टर स्केल आपको मैग्नेट्यूड बताता है कि कितना लेवल का अर्थक्विक था बट अर्थक्विक आया या नहीं आया वो पता चलता है आपका सस्मोग्राफ से ठीक है दोनों अलग अलग है नेक्स्ट चैप्टर है आपका एयर नाउ एयर का पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम एक्सटेंड करते जाएंगे क्लास ट्वेल्थ की तरफ वैसे वैसे आपका जो डेप्थ है नॉलेज का वो और बढ़ता जाएगा एयर के बारे में बात करूँ तो जैसे आपको पता है कि सबको जो है एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल क्योंकि वो नाइट्रोजन डायरेक्टली ले ही नहीं सकते बैक्टीरिया जो है उनके सॉरी <coughs> <coughs> बैक्टीरिया उनकी हेल्प आउट करते हैं नाइट्रोजन के लिए ठीक है नेक्स्ट अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्लास सिक्स के एनसीआर में एटमॉस्फेयर में आपकी पांच लेयर्स प्रेजेंट होती हैं अब एक एक करके इन लेयर्स के स्पेसिफिकिटी के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का इसकी हाइट समवेयर अराउंड थर्टीन किलोमीटर तक होती है बिल्कुल इस डायग्राम में आप देखते हुए सबसे नीचे ये आपका ट्रोपोस्फेयर है यहां पे द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर वेदर फिनोमिना जैसे रेनफॉल फॉग हिलस्टॉम ये इस एरिया में होते हैं तो ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है ठीक है नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर उसके ऊपर जो हाइट होती है दैट इज अप टू अपि किलोमीटर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स आन एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमिना यहाँ पे बेसिकली आपके फ्लाइंग uh, के लिए सुटेबल एरिया होता है ये एंड दिस ऑल्सो कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज नोन एज ओजोन गैस नेक्स्ट उसके बाद आपका आएगा एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर और मेट्रोराइट्स की जो बर्निंग होती है वो आपकी मेसोस्फेयर में होती है थर्मोस्फेयर की भी बात करूँ तो टेम्परेचर इट राइज वेरी रैपिडली इन दिस पर्टिकुलर एरिया और यहाँ पे आपका आइनोस्फेयर भी प्रेजेंट uh, है तो जो आपका रेडियो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो इस लेयर के हेल्प से होता है एंड देन इज योर एक्सोस्फीयर जो कि वेरी थिन लेयर है लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेसिस फ्रॉम हियर तो ये आपका आउटर एटमॉस्फेयर हो गया एक्सोस्फीयर पे नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करूँ टेम्परेचर जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस कि किसी एरिया में क्लाइमेट uh, वेजिटेशन सारी चीजें कैसी रहेंगी सो so, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इंसुलेशन इंसुलेशन होता क्या है इंसुलेशन होता है आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है कितना रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और कितना ऑर्थ पे रह जा रहा है दिस फिनना इज सम वट नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ठीक है नाउ टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में विच वॉज इम्पो इन्वेंटेड बाय आंडर्स सेल्सियस इसीलिए उसका नाम डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं नाव एयर प्रेशर एयर प्रेशर होता है हाइएस्ट आपका सी लेवल में एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे विथ आल्टीट्यूड एयर प्रेशर आपका डिक्रीज होता है इसीलिए आप देखते होंगे जब हम माउंटेन एरिया में जाते हैं वी फेस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग नाव हाई टेम्परेचर में क्या होता है एयर गेट्स हीटेड अप और वो ऊपर उठती है भाप बन के ऊपर उठती है लो प्रेशर में वाइस वर्सा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ठीक है नेक्स्ट विंड की बात करूँ अब विंड आपकी तीन टाइप्स की होती हैं परमानेंट विंड सीजनल विंड्स लोकल विंड परमानेंट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है फिगर में भी आप देख सकते हैं परमानेंट विंड्स होती हैं आपकी ट्रेड विंड्स वेस्ट इर्लीज क्यों ये परमानेंट होती हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूसरी आपको नाम से पता चल रहा है सीजनल विंड सीजनल विंड्स क्या होती हैं सीजनल विंड्स जो होती हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजन इसका एग्जाम्पल है मानसून विंड्स इन इंडिया थर्ड इज योर लोकल विंड जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होती हूँ जैसे लैंड ब्रीज हो गया सी ब्रीज हो गया गर्मियों में आप देखते होंगे यूपी में ये टर्म यूज होता है जैसे लू चल रही हम बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये पर्टिकुलर एरिया में टर्म्स uh, है मॉइस्चर अब नेक्स्ट है मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी एंड वेन एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर हम बोलते हैं इट इज डे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेनफॉल तीन टाइप्स के रेनफॉल होते हैं डायग्राम से आप ईजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल तो कन्वेक्शनल रेनफॉम आपका वही है जो आपके सी से जो टेम्परेचर वार्म अप होता है हीटअप होता है वाटर वेपर्स बनते हैं फिर आपका प्रेसिपिटेशन की वजह से वॉट इवेपोरेशन की वजह से ऊपर उठते हैं फिर आपका प्रेसिपिटेशन होता है ठीक है और रेनफॉल होती है नेक्स्ट इज आपका ओरोग्राफिक यानी कोई एक बैरियर आ जाता है जब मॉइस्चर पास होती है बैरियर आ जाता है उसकी वजह से आपका जो रेनफॉल होती है दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड इज योर साइक्लोनिक रेनफॉल फिफ्थ चैप्टर है आपका वाटर अब अर्थ जो है इट्स लाइक अ टेरियम टेरियम क्या होता है आपका एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर जहां पे हम स्मॉल प्लांट्स को स्मॉल ग्रीन प्लांट्स को रखते हैं

जो वाटर ऑन सरफेस ऑफ ओशन इट राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली इसको हम बोलते हैं वेव्स वेव्स और डिपेंडिंग अपॉन एयर ये आपकी बड़ी भी हो सकती हैं छोटी भी हो सकती है अगर विंड ज्यादा तेज चलेगी तो आपको बड़ी वेव्स नजर आएंगी अगर अर्थक्वेक हुआ कोई ऐसा इंटरनल प्रेशर हुआ तब भी आपको जो है वो बड़ी वेव्स नजर आएंगी ठीक है डिपेंडिंग अपॉन जब ये आपका वॉटर में होता है तो हम अर्थक्वेक की इसी एक्टिविटी को वी कॉल्ड इट सुनामी नेक्स्ट ओशन करंट क्या होता है ओशन करंट होता है जब स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर ओशन सर्फेस इन ओरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स पोल वार्म करचर ओवर लैंड फिर जैसे वार्मल uh, है आपका गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्रोडोर ओशन करंट यह आपका कोल्ड करंट्स का एग्जाम्पल जो पोलर से ट्रॉपिकल की तरफ आता है अब आते हैं टाइट्स पे जो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर होता है विच इज देयर इन टू वाइस डे, इसी को हम बोलते हैं टाइट्स हाई टाइड होती है लो टाइड होती है जब हाईएस्ट लेवल पे होता है दैट इज नोन एज हाई टाइड जब लोएस्ट लेवल पे होता है दैट इज नोन एज लो टाइड और टाइड्स का इफेक्ट टोटली totally होता है ग्रेविटेशनल पुल से इसीलिए जब आप देखेंगे मून जब अर्थ मून के क्लोजर होता है तो यूजुअली आपके इट्स अ सिचुएशन ऑफ हाई टाइड अब दो टर्म्स एनसीईआरटी में यूज हुए हैं एक आपका स्प्रिंग टाइड और एक नीप टाइड स्प्रिंग टाइड क्या होता है जब आपका फुल मून या न्यू मून डेज होते हैं तो सन मून अर्थ जो है आपके सेम लाइन में होते हैं इसीलिए ये आपका स्प्रिंग टाइड होता है यानी हाई टाइड होता है और हाई टाइड आपका नेविगेशन एंड फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा है सेक्स्ट नेक्स्ट इज योर नीप टाइट जिसमें क्या होता है मून आपका फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है ओशन वाटर आपका डायगनी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ग्रेविटेशनल पुल के जिसकी वजह से आपका लो टाइट होता है नेक्स्ट चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आप नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जैसे मैंने बोला बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो है बींग द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एपार्ट फ्रॉम दैट स्लोप थिकनेस ऑफ सॉइल ठीक है ये सारी चीज़ें भी है क्लास वे के अकॉर्डिंग तीन ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया Forest, ठीक है है फॉरेस्ट ठीक और आगे हम अभी देखेंगे अब एक एक करके इनके डेप्थ में बात करते हैं फॉरेस्ट में सबसे पहले बताया गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ये एरियाज हैं जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है हाईली डेंस होते हैं सनलाइट इसमें ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है शेड देर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ ईयर इसीलिए एवरग्रीन बोला जाता है इन्हें एग्जाम्पल्स है महोगनी इबोनी एंड रोजवुड यूजली दे आर नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स नेक्स्ट इज डेसिडस फॉरेस्ट ऑल्सो नोट मॉनसून फॉरेस्ट दे आर लेस देन शेड देर लीव आर ड्राई सीजन एग्जाम्पल तीख पीपल नीम एंड शीशम जो फ्लोरा एंड फार्मना है दैट इज टाइगर्स लॉइस एलिफेंट्स लंगूर्स एंड मंकीस नाउ एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन में होते हैं यूजली साउथ चाइना यूएसए साउथ ईस्ट ब्राजील इसमें आपके हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों मिलते हैं ठीक है सो ओक पाइन योर केलेप्टिंग द डोमेंट वन टेम्परेट डेसीड फॉरेस्ट हायर लैटिट्यूड्स में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यू एस ए चाइना न्यूजीलैंड and the shed their leaves in dry season common are oak ash beech mediterranean vegetation वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंस फाउंड इन मेडिटेर सी इन यूरोप अफ्रीका एशिया बाई हॉट ड्राई सामर्स एंड मिड रेमी यूजली आपके सिट्रस फ्रूट सचेस ऑरेंजेस फिग्स ऑलिव ग्रेप्स ये आपको कॉमनली यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट मैंने पहले भी आपको बताया बिकॉज देर फाउंड माउंटेन एरिया कौन सो दैट इज वायर द नेम कॉनिफेरस बीन गिवन दे आर ऑल्सो नोन एसा एंड दे सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज इनका जो पल्प होता है दैट इज वेरी यूजफुल विच इज यूज फॉर मेनी थिंग्स मेकिंग अप ऑफ मेनी थिंग्स द डोमिनेंट स्पीशीज ह्योर आर चीर पाइन सिदार द वेरी कॉमन एंड सिल्वर फॉक्स मेक पोलर बियर आर कॉमन एनिमल्स फाउंड ह्योर

वाइल्ड बफेलोज बाइसन एंटीलोप्स नेक्स्ट आपका है थॉर्नी बुशज थॉर्नी बुशज जो हैं आपके देर फाउंड इन ड्राई सीजन्स लाइक रीजन्स जनरली वेस्ट मार्जन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड वेजिटेशन कवर इज स्केयर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ योर तंद्रा वेजिटेशन तंद्रा वेजिटेशन जो है इट इज़ फाउंड इन पोलर एरियाज ऑफ यूरोप यूजली जो मॉसेज हैं लाइकन्स हैं शर्ब्स हैं देर फाउंड योर नेक्स्ट आपका चैप्टर सेवन इज ह्यूमन इन्वायमेंट एंड सेटलमेंट सो सेटलमेंट आर द प्लेज वे पीपल बिल्ड देयर होम टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं जो जैसे नाम से आपको लग रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम परमानेंट सेटलमेंट्स आर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रूरल सेटलमेंट्स में यूजली आपको विलेजेस दिखेंगे अर्बन सेटलमेंट्स में आपको टाउन्स एंड सिटीज़ दिखेंगे ना विलेजेस की बात करूँ तो विलेजेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ यूजली एग्रीकल्चर फिशिंग फॉरस्ट्री क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग जो रूरल सेटलमेंट है दैट इज कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड अर्बन सेटलमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे पीपल आर एंगेज इन मैन्यूफेक्चरिंग ट्रेडिंग एंड है? नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट नाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोडवेज रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोडवेज की बात करूँ सुधे शॉर्ट डिस्टेंस एंड मेटल भी होते हैं ना कच्चा रोड एंड मेटल प्लेन हैव ए वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ रोड रेलवेज रेलवेज जो है आपका हैवी गुड्स ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेज वेरी ईजी एंड चीप इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प टी डेवलपमेंट ऑफ रेल नेटवर्क सो इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क अब आपको मुझे बताना है कि जो लॉन्गेस्ट रेल डिस्टेंस है वो कहाँ पर पूरे वर्ल्ड में वॉटरवेज चीपेस्ट ऑफ कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज देर मेनलीफ टू टाइप इन लैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स क्वेश्चन so, पूछा था द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन्वेस्टर्सो वाल दी आर स्टोक ऑन पैसिफिक कोस्ट नेक्स्ट ये आपके नेटवर्क्स दिखा रहे हैं ठीक है आप चैप्टर एट पे बात करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पे सो ट्रॉपिकल रीजन जो है दैट इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर टेन डिग्री नॉर्थ से टेन डिग्री साउथ तक रिफर टू एस इक्वेटेरियल रीजन यहाँ पे रिवर एमेजोन आपको इस एरिया में दिखेगी माउंटेन्स फ्रॉम वेस्ट रिचेस्टेड अटलांटिक ओशन टू ईस्ट रिवर्स लाइक ब्राज़ील रिवर बेसिस ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राजील पेरू बलेविया इक्वेडोर कोलम्बिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजोला रेन फॉरेस्ट में बात करूँ रेन फॉरेस्ट आर बेसिकली जहाँ पे वी रेन्स होती है थिक फॉरेस्ट ग्रो होता है लीवस एंड ब्रांचेस डो नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इसीलिए जो लोअर पार्ट में होते हैं आपके ऑर्चिड्स ब्रोमलाइट ये ग्रो करते हैं ठीक है क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है नेक्स्ट रेन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है दे आर वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फाउना ठीक है डायवर्सिटी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाएगी एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है पीपल ग्रो ऑलमोस्ट देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज और इस तरह के जो कल्टीवेशन होता है उनको हम बोलते हैं झूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो आपकी यूजअली ट्राइबल पीपल जो हैं वो इसे कैरी आउट करते हैं नेक्स्ट क्लाइमेट जो होता है वो यूजुअली हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट क्वल क्योंकि ह्यूमिड एंड हॉट होते हैं इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी इयर डेज टेम्परेचर आर हाई एंड विद हाई ह्यूमिडिटी नाइट टेम्परेचर आर लो

बैंबूज होते हैं डेल्टा मैंग्रूम फॉरेस्ट उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश उसमें आपको कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे एंड डायवर्सिटी भी मिलेगी ठीक है ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको वन हॉर्न राइनोसरोज डेल्टा एरिया बेंगोल टाइगर क्रोकोडाइल्स एलिगेटस ये आपको डेल्टा एरिया में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नाइन टेम्परेट ग्रास लैंड पे आते हैं नाउ ग्रास लैंड जो हैं दे आर टाइप ऑफ ग्रासेस बेसिकली ठीक है बेस्ड ऑन वर्ल्ड क्लाइमेट आपको टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन पे अलग अलग दो ब्रॉड कैटेगरीज मिलेगी ग्रासस की सबसे पहले प्रेरीज की बात करते हैं तो यह टेम्परेट ग्रास लैंड होते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के फ्लैट होते हैं ट्रीलेस होते हैं दे आर नियर लो लाइंग प्लेन्स एंड They are tall up to 2 meters, usually bound by rocky mountains. These are states of America, Canada, USA, hai, usually drained by Mississippi River. Next, flora and fauna that is water is available, and places can receive up to uh, rainfall of up to 50 centimeters. The rainfall is very little, and grasses are short and sparse. These are suitable for cattle rearing. पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग इन दिसंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन यहां पर यूज होते हैं वर्ल्ड सो दिसन फ्रेमिंग एरिया डेरी फार्मिंग यहाँ पे मेजर होती है डेरी बेस्ट जो होते हैं दे एक्सटेंड अप टू ग्रेट लेक ऑफ अटलांटिक कोस्ट इन ईस्ट बात करते हैं वेल्स की सो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका ठीक है next they lie in the southern hemisphere the tributaries are that is orange and limpopo mid climate due to influence of indian ocean winds are cold and dry temperatures 5 to 10 degrees celsius july is the coldest month flora and fauna vegetation cover is sparse red grasses grow bush wells पीपल जो है रियरिंग कैटल माइनिंग सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल कैश क्रॉप्स इसमें आपके टबैक्को और शुगर केन एंड कॉटन हो गया शिप रियरिंग इज मोस्ट कॉमन डेयरी फार्मिंग इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो यूजुअली यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते नहीं आपको बस एग्जांपल्स याद करने हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन कौन से होते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन कौन से होते हैं लास्ट आते हैं आपके चैप्टर पे डेजर्ट्स पे तो डेजर्ट्स जैसे आपको पता दिया कैटेगराइज बाय लो रेनफॉल स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर आपके हॉट डेजर्ट्स होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं हॉट डेजर्ट में आपका जो है सहारा डेजर्ट होगा दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया

क्या होता है आपका ग्रीन लैंड विद डेट पॉम सराउंडीज आर ग्रुप ऑफ निक ड्राइव्स रेयरिंग लाइफ स्टॉक ठीक है तो यहाँ पे ये जो नमारिक पीपल है ये यूजली एक एरिया से जैसे झूम कल्टिवेशन होता है वैसे दे आर माइग्रेटरी पीपल्स एक एरिया में कैटल्स को रेयर करते हैं एंड देन दे गो ऑन टू द नेक्स्ट एरिया यहाँ पे यूजली इंपॉर्टेंट uh, जो मिनरल डिपॉजिट हैं वो आपके आयरन फॉस्फोरस मैगनीज एंड यूरेनियम हो गए कोल्ड डेजर्ट्स में आपका आ जाता है लद्दाख लद्दाख जो है ग्रेट हिमालयास में है ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर काकुरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जानसकार माउंटेन इन द साउथ एंडलोजेज इट इन दस रिवर यहाँ से फ्लो करती है ग्लेशियर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे लद्दाख में एग्जाम्पल इज गैंगरी ग्लेशियर एल्टीट्यूड है इट वेरीज थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स इन कारगिल अप टू एट थाउजेंड किलोमीटर्स इन काकुर क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है सो so, आपके सामर्स के टाइम में भी जो है इट कैन गो अप टू माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस समे फ्लोराफाना जो है बिकॉज ऑफ हाई एरिडिटी वेजिटेशन इस्पाश तो उतना ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं ओनली द एनिमल्स और द फ्लोराज विच आर एडेप्टेबल टू सच एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन कैन सर्वाइव समर्स में इसमें आपको फ्रूट्स आपको एप्पल्स एप्रिकॉर्ड्स वालनट्स मिलेंगे बर्ड्स इन लद्दाख में आपको रेड स्टार्स टाइप स्नो स्नोकॉक, रेवन एंड हुप। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको इस एरिया में मिल जाएंगी यूज फॉर चीज बटर, एंड द हेयर ऑफ शीप एंड गोट इज यूज टू मेक पीपल इन लद्दाख एंड द इनहबिटेंट ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया रिजेंबल ईच अद आपको मुस्लिम या बुद्धिस्ट मिलेंगे बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज भी आपको लद्दाख में बहुत ज्यादा मिलेंगी नेमली हेमिस थकली शे एंड लमायूरूप ठीक है नेशनल हाईवे ए कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास सो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी क्लास सेवन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत शॉर्ट में चीजें बताई हैं साथ में ये भी बताया कि क्वेश्चंस आपको कहाँ से फ्रेम आउट होंगे सो आई होप दिस वाज़ ओके फॉर यू एंड in a similar manner you'll be getting other portions also so you need to visit www.governmentcrackers.com for all the study materials since the time is very less for your examinations and within one go at a very affordable cost you will get complete material including extensive practice materials and previous year papers also so i'll see you in the next session stay tuned and share the videos as much as possible jai hind